वर्ल्ड के दो ऐसे देश जिसपे आज पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, एक दूसरे के राइवल्स और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड चाइना। एक तरफ चाइना जहां वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है, वहीं इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। दोनों ही कंट्रीज आज हर फील्ड में एक दूसरे को कम्पिटीट कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जब इंडिया और पाकिस्तान की रेलवेज को कंपेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि हमारा कंपैरिजन चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। तो आज की इस वीडियो में मैं वही करने जा रहा हूँ, जहाँ एक तरफ होगा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क चाइना स्टेट रेलवे, और वहीं दूसरी तरफ होगा वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडियन रेलवेज, और इनका मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रेन्स ऑफ इंडिया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप में से 97% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज की हिस्ट्री के बारे में। चाइना में रेलवेज की शुरुआत हुई लेट 19th सेंचुरी में, जब इंडिया, जापान, अमेरिका जैसी जगहों पे ऑलरेडी रेलवेज ऑपरेशनल थी। इसका मेन रीजन था लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना एंड उस समय के किंग गवर्नमेंट का रेलवेज में रुचि ना लेना। 1865 में एक ब्रिटिश मर्चेंट ने लगभग 600 मीटर की नैरो गेज रेलवे तैयार की इंपीरियल कोर्ट के सामने, ये प्रेजेंट करने के लिए कि रेलवे सिस्टम वर्क कैसे करता है। बट उन्हें ये बहुत ही स्ट्रेंज लगा और उस रेलवे सिस्टम को डिसमेंटल कर दिया गया। लेटर 1876 में जाबेई और वोशुंग, जो कि प्रेजेंट डे में बोशान के नाम से जाना जाता है, उसके बीच चाइना की पहली ऑपरेशनल रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, जिसका नाम था वोशुंग रोड। पर इसे भी 1877 में डिसमेंटल कर दिया गया, क्योंकि ये उस टाइम के गवर्नमेंट के परमिशन के बिना बनाई गई थी। लेटर 1881 में दो कंपनीज, काइपिंग ट्रामवे और इंपीरियल रेलवेज ऑफ नॉर्थ चाइना ने मिलकर टांगशांग और जुबजुआंग के बीच में 10 किलोमीटर लंबे रेल लाइन का निर्माण किया गया, जिसका मेन यूज होता था कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये चाइना की पहली ऐसी रेलवे लाइन थी जिसने सर्वाइव किया। इनिशियल डेज में तो चाइना में रेलवेज का सफर बहुत ही मुश्किल रहा, पर आज की बात करें तो इस देश ने सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है रेलवे नेटवर्क के मामले में। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले रेलवे लाइंस ले डाउन करने की बात रखी गई थी 1832 में इंडिया के मद्रास में। लेटर 1836 से 1837 के बीच में इंडिया की पहली रेलवे लाइन रेड हिल और चिंदारी पेट ब्रिज के बीच में बनाई गई, जिसका नाम रखा गया था रेड हिल रेलवेज। इंडियन रेलवे के सफर में एक मेजर टर्न तब आया जब 16 अप्रैल 1853 को इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर और थाने के बीच में चलाई गई। लेटर आज़ादी के बाद बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज को मर्ज करके इंडियन रेलवेज का फॉर्मेशन किया गया, और आज इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, और ये डे बाई डे एक्सपेंड होता ही जा रहा है। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स, चाइना में मेनली रेलवेज को ऑपरेट करता है चाइना रेलवे ग्रुप कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बीजिंग चाइना में। वहीं पे इंडिया में रेलवेज को मेनली ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ट्रैक लेंथ बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो है 1,55,000 किलोमीटर, जिसमें से जो हाई स्पीड ट्रैक्स हैं वो है 42,000 किलोमीटर। वहीं बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो है ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर। तो ट्रैक लेंथ के मामले में इंडिया चाइना से ऑलमोस्ट हाफ है, बट इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि चाइना का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा है इंडिया के कंपेयर में, हैंस वहाँ की रेलवेज की जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है इंडियन रेलवेज के कंपेयर में। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, अब यहाँ पे हमें कुछ सरप्राइजिंग नंबर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ चाइना में केवल 5,500 रेलवे स्टेशन हैं, वहीं इंडिया में ऑलमोस्ट 9,400 रेलवे स्टेशन हैं। तो यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन की डेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ चाइना इंडिया से सरफेस एरिया में बहुत बड़ा है, स्टिल वहाँ पे केवल 5,500 रेलवे स्टेशन हैं, वहीं इंडिया में 9,400 रेलवे स्टेशन हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, अब यहाँ पे भी हमें एक बहुत ही शॉकिंग डेटा देखने को मिलता है, जहाँ चाइना के रेलवे सिस्टम को डेली 9.8 मिलियन पैसेंजर्स एक्सेस करते हैं, एंड एनुअली जो चाइना की राइडरशिप है वो है 3.6 मिलियन। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज की डेली राइडरशिप है 24 मिलियन और जो ईयरली राइडरशिप है वो है ऑलमोस्ट 8 बिलियन पीपल।
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, चाइना के रेलवे सिस्टम में ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, वहीं इंडियन रेलवेज में स्पेसिफिकली 1.3 मिलियन पीपल वर्क करते हैं। और बात करें अगर ओवरऑल इंडियन रेलवेज की, जहां पे हर तरीके का रेलवेज अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल जो है वो इससे एम्प्लॉयड है। रेलवे बजट, अब किसी भी कंट्रीज के रेलवे की डेवलपमेंट इस फैक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसके रेलवेज को डेवलप करने के लिए कितने पैसे एनुअली एलोकेट किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि चाइना की रेलवेज लास्ट 3 decades में इतनी ज़्यादा और इतनी फास्ट रेट पे कैसे ग्रो कर पाई है। अगर मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूँ तो चाइना का अकेले जो रेलवे बजट है वो 2000 टाइम्स है इंडिया के ओवरऑल बजट का। बात करें अगर चाइना के लास्ट ईयर के रेल बजट की, तो वो था ऑलमोस्ट 800 बिलियन युआन, जो कि ऑलमोस्ट कन्वर्ट होता है 9.34 लाख अरब रुपीज में। वही जो इंडियन रेलवेज का इस साल का बजट है वो इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट है, और वो है 2.4 लाख करोड़ का। यहाँ पे अब दोनों ही देशों के रेलवेज के जो बजट में डिफरेंस है ना, वो आप क्लियरली देख सकते हो। और यही एक मेन रीजन है रेलवेज का चाइना में इतने फास्ट डेवलप करने का। बात करते हैं अब रेवेन्यू की, तो जहां चाइना का लास्ट ईयर का बजट था 800 बिलियन युआन का, वहीं पे चाइना ने लास्ट ईयर जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 1073 बिलियन युआन का। वही बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज ने जो लास्ट ईयर में रेवेन्यू जनरेट किया था वो था ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था इंडियन रेलवेज के बजट के। अब बात यहाँ पे हो रही है रेवेन्यू की, तो अब इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि इन दोनों ही कंट्रीज के बेसिक फेयर या फिर एवरेज फेयर्स क्या है। तो बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में जो पर किलोमीटर पैसेंजर टिकट का जो कॉस्ट है वो है 1.3 रुपीज, वही इंडिया में ये ऑलमोस्ट हाफ है, जो कि है 65 पैसे पर किलोमीटर। तो इंडियन रेलवेज जो है वो ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस है चाइना रेलवेज की। अब यहाँ तक हमने जाना दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज के बारे में स्टैटिस्टिक्स। अब आइए जानते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। अब चाइना में बेसिकली दो टाइप की ट्रेन्स चलती हैं, ईएमयू ट्रेन्स एंड नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेन्स। ईएमयू ट्रेन्स जो होती हैं वो नॉर्मल वंदे भारत टाइप ट्रेन सेट्स होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स को जोड़कर एक ट्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि वहाँ पे नॉर्मली बुलेट ट्रेन की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। वहीं कन्वेंशनल ट्रेन्स जो होती हैं वो हमारी नॉर्मल ICF या LHB ट्रेन्स की तरह होती हैं, जहाँ पे कोचेस को जोड़कर एक ट्रेन को लोकोमोटिव के द्वारा पुल किया जाता है। बात करें अगर इनमें भी सब कैटेगरी की, तो हाई स्पीड EMU ट्रेन्स, जिन्हें लेटर G के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिनकी टॉप स्पीड होती है 350 किलोमीटर। EMU ट्रेन्स, जिन्हें लेटर D के द्वारा डिनोट किया जाता है और इनकी टॉप स्पीड होती है 250 किलोमीटर। इंटरसिटी EMU ट्रेन्स, जिसे सी लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है और इनकी टॉप स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर। नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन्स, जिन्हें Z के द्वारा डिनोट किया जाता है और इनकी टॉप स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। लिमिटेड एक्सप्रेस, जिन्हें T के द्वारा डिनोट किया जाता है और इनकी टॉप स्पीड होती है 140। स्टैंडर्ड एक्सप्रेस ट्रेन्स विथ प्रायोरिटी या फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेस, इन्हें डिनोट किया जाता है K के द्वारा और इनकी टॉप स्पीड होती है 120। एंड लास्टली टेम्प्रोरी और टूरिस्ट ट्रेन्स, और इन्हें डिनोट किया जाता है लेटर L एंड लेटर Y के द्वारा। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो प्रीमियम ट्रेन्स लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस, शताब्दी, राजधानी, गरीब रथ, दुरंतो, हमसफर, नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन्स, AC नॉन AC एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स, मेमोज, DMUs, EMUs जो कि लोकल ट्रेन्स के भी नाम से जानी जाती हैं, एंड फ्रेट ट्रेन्स, ये मेनली ऑपरेट करती हैं इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पे। अब बात करते हैं इन ट्रेन्स के अंदर के ट्रेन क्लास की। तो चाइना रेलवे में बेसिकली EMU ट्रेन्स के अंदर बिजनेस क्लास सीट्स, जिसमें 2+1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्रीमियम बिजनेस क्लास सीट्स, जिनमें 2+1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, साथ में एक बहुत अच्छा व्यू होता है देखने के लिए, और जो सीट्स होती हैं वो रिक्लाइनिंग होती हैं, फर्स्ट क्लास, जिनमें 2+2 सॉफ्ट सीट्स होती हैं, सेकेंड क्लास, जिसमें 2+3 सीट्स होती हैं पर रो, सॉफ्ट स्लीपर, ये मेनली नाइट ट्रेन्स में प्रेजेंट होती हैं और इनमें टोटल 4 बर्थ होते हैं पर कैबिन। वहीं बात करें अगर कन्वेंशनल ट्रेन्स की, तो कन्वेंशनल ट्रेन्स में हार्ड सीट्स, सॉफ्ट सीट्स होती हैं, हार्ड स्लीपर जो कि मोर लाइक इंडियन थर्ड AC होता है, सॉफ्ट स्लीपर जो कि मोर लाइक इंडियन फर्स्ट AC होता है, जहाँ पे एक केबिन के अंदर 4 स्लीपर सीट्स होती हैं, लग्जरी स्लीपर जो कि एक इंडियन फर्स्ट AC कूप की तरह होता है, जहाँ पे एक केबिन में केवल 2 सीट्स होती हैं। और एक बहुत खास बात चाइना रेलवेज के बारे में कि यहाँ पे स्टैंडिंग टिकट्स भी इशू किए जाते हैं पीक रश टाइम में,
बट ये टिकट्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इशू किए जाते हैं और इसके साथ पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल तो कर सकता है बट किसी भी सीट पे बैठ नहीं सकता। बात करें अगर इंडियन रेलवेज के बारे में तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार जहाँ पे 2+2 का कन्फिग्रेशन होता है, इकोनॉमी चेयर कार जहाँ पे 2+3 का कन्फिग्रेशन होता है, नॉर्मल नॉन एसी चेयर कार, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ बोथ कंट्रीज। तो बात करें अगर चाइना की तो चाइना की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शंघाई मैगलेव, जिसकी टॉप स्पीड है 501 किलोमीटर टेस्ट में और ये 430 किलोमीटर के ऑपरेशनल स्पीड से चलती है। बट जो यहाँ पे ट्रैक लेंथ है वो बहुत ही लिमिटेड है जो कि जस्ट 29.8 किलोमीटर का है। बात करें अगर इनके बुलेट ट्रेन्स की तो इनकी जो जी क्लास की बुलेट ट्रेन्स है उनकी टॉप स्पीड होती है 350 किलोमीटर पर आवर। वहीं बात करें अगर इनके कन्वेंशनल ट्रेन्स की तो इनकी जो टॉप स्पीड होती है वो होती है 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क स्टिल अंडर डेवलपमेंट है और जो इसकी टॉप स्पीड होने वाली है वो होने वाली है 320 किलोमीटर पर आवर की। वहीं बात करें अगर करंट फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया के बारे में तो वो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसने अटेन किया है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टेस्ट में और जो चलती है 160 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड पे। पंक्चुअलिटी, अब बस इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके देश की ट्रेन कितनी फास्ट जा सकती है, उसका पंक्चुअल रहना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बात करें अगर चाइना की तो यहाँ पे जो डिपार्चर्स की पंक्चुअलिटी है वो है 98% और जो अराइवल्स की पंक्चुअलिटी है वो है ऑलमोस्ट 95%। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की तो इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी के हाल हम सभी को पता है, इससे जो डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज की पंक्चुअलिटी है वो है ऑलमोस्ट 84%। आइए अब बात करते हैं इन दोनों ही कंट्रीज के लोकोमोटिव फ्लीट के बारे में। इन दोनों ही कंट्रीज के लोकोमोटिव फ्लीट काफी बड़े हैं और बहुत ही कंपेरेबल हैं। एक तरफ जहाँ चाइना है जिसके नेटवर्क में मेनली ईएमयूज का दबदबा है, बट क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स भी है तो यहाँ पे लोकोमोटिव्स की फ्लीट जो है वो भी बहुत बड़ी है। वहीं इंडियन रेलवेज ऑन द अपोजिट साइड अभी स्टिल ईएमयू पे स्विच कर रहा है और यहाँ का जो लोकोमोटिव फ्लीट है वो बहुत बड़ा है और ऑलमोस्ट हर ट्रेन जो यहाँ पे है वो लोकोमोटिव पुल्ड ही होती है। तो बात करें अगर चाइना के लोकोमोटिव फ्लीट की तो डीजल लोकोमोटिव्स में सबसे फेमस लोकोमोटिव्स लाइक DF4 और इसके वेरिएंट्स हैं लाइक DF4, DF4C, DF4E, DF5, DF8B, DF11G, HXN5। वहीं इलेक्ट्रिक के AC लोकोमोटिव्स में SS1, SS3, SS4, SS6, SS7, SS8, SS9, 8K एंड 8G बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर लोकोमोटिव्स है चाइना रेलवेज में। वहीं बात करें अगर AC/DC टाइप लोकोमोटिव्स की तो HXD1, HXD2, HXD3 काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव्स हैं और ये चाइना रेलवेज में मेजरली पाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज के डीजल लोकोमोटिव फ्लीट के बारे में तो WDM3A, WDM3D, WDG3A, WDP4, WDP4B, WDP4D, WDG4, WDG4D, WDG4G, WDG5, WDG6G मेजर डीजल लोकोमोटिव हैं। वहीं बात करें अगर AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की तो पैसेंजर सेगमेंट में WAV4, WAV5, WAV7 एंड गुड्स सेगमेंट में WAG5, WAG7, WAG9 वो बहुत ही मेजर और पॉपुलर लोकोमोटिव्स हैं। वहीं बात करते हैं अगर AC/DC लोकोमोटिव्स की तो WCM2, WCM3, WCAG1 बहुत ही पॉपुलर लोकोमोटिव्स हैं इंडियन रेलवेज के लोकोमोटिव फ्लीट में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव, बात करें अगर चाइना रेलवेज की तो यहाँ पे HXD3G लोकोमोटिव जो एक एक्सपेरिमेंटल लोकोमोटिव था जिसका केवल एक यूनिट मैन्युफैक्चर किया गया था, उसकी टॉप स्पीड थी 210 किलोमीटर पर आवर और ये था चाइना का फास्टेस्ट लोकोमोटिव। वहीं अगर कॉमनली यूज लोकोमोटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिक में SS8 और डीजल में DF11G लोकोमोटिव जिनकी टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर है फास्टेस्ट लोकोमोटिव है। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की तो इंडियन रेलवेज जो स्पीड का बादशाह है वो है WAV5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसकी टॉप स्पीड है 225 किलोमीटर पर आवर की। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव, अब बात करें अगर चाइना की तो चाइना का जो सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है वो है Shen 24 या फिर HXD 1.7 जिसकी जो टोटल आउटपुट है वो है ऑलमोस्ट 38,000 हॉर्स पावर की। ये जो लोकोमोटिव है वो अपने आप में एक बीस्ट है जो कि ऑलमोस्ट 106 मीटर लंबा है और टोटल 6 यूनिट्स को जोड़कर बनाया गया है।
वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज का जो मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है वो है वैक 12, जो कि एस्ट्रॉम के द्वारा बनाया गया है और जिसकी हॉर्स पावर रेटिंग है 12,000 हॉर्स पावर। और इन दोनों ही लोकोमोटिव्स की जो टॉप स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए कि वहाँ पे जो ट्रेन्स यूज़ हो रहे हैं, जो लोकोमोटिव्स यूज़ हो रहे हैं, वो उसी कंट्री में बनाए जाते हैं या फिर किसी और कंट्रीज से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो बिकॉज दोनों ही चाइना और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी डेवलप्ड है और काफ़ी बड़ा भी है, तो यहाँ पे जो कोचेस और लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कंट्री में ही होती है और ये दोनों ही कंट्रीज किसी और डिफरेंट कंट्री पे डिपेंड नहीं करते हैं इम्पोर्ट के लिए। बात करें अगर चाइना की, तो यहाँ पे मेनली CRRC, जो कि चाइना का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का बिगेस्ट वैगन एंड लोकोमोटिव प्रोड्यूसर है, ये मैन्युफैक्चर करता है चाइना के लिए ट्रेन सेट्स, बुलेट ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स, हर टाइप की ट्रेन जो भी चाइना में चलती है वो सारी CRRC में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाइक CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, DMW यानी कि डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला, यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहीं साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स लाइक एल्स्टोम, साइमेंस और जनरल इलेक्ट्रिक भी अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर करते हैं। वहीं बात करें अगर कोचेस के प्रोडक्शन की, तो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, RCF रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, MCF मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस, वैगन्स और ट्रेन सेट्स लाइक वंदे भारत प्रोड्यूस की जाती हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं दोनों ही देशों की लग्जरी ट्रेन्स के ऊपर। चाइना एज सच कोई भी लग्जरी ट्रेन ऑपरेट नहीं करता, बट इनकी कुछ कन्वेंशनल ट्रेन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेट करती हैं वो काफ़ी लग्जरी मानी जाती हैं, जिनका नाम है शांग्रीला एक्सप्रेस, जिसे चाइना की ओरिएंट एक्सप्रेस भी कहा जाता है, द ग्रैंड ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस एंड द तांगुला, जो कि चाइना की एक और लग्जरी ट्रेन सर्विस है। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है वर्ल्ड की सम ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स, जिनमें नाम शुमार है द महाराजा एक्सप्रेस का, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑन व्हील्स, ऐसी ऐसी ट्रेन्स का। इलेक्ट्रिफिकेशन, अब जब भी किसी देश के रेलवे की बात होती है ना, तो आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन का मुद्दा हर जगह उठाया जाता है, क्योंकि रेलवे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है कार्बन एमिशन में। डीजल नेटवर्क के कंपेयर में इलेक्ट्रिक नेटवर्क्स बहुत ही कम कार्बन जनरेट करते हैं, हेंस बहुत सारी कंट्रीज की वो प्रायोरिटी है और बहुत सारी कंट्रीज के एजेंडा में अपने रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करना है। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना ऑलरेडी इस पे बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और ऑलमोस्ट 75% रूट जो है चाइना का वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाई हो चुका है। जो टोटल लेंथ है वो ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर है जो कि इलेक्ट्रिफाइड है चाइना में। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो ये सभी को मालूम है कि इंडियन रेलवेज की सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। इंडियन रेलवेज ने 2023 में अब तक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रोड्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, जहां पे ब्रॉड गेज में ऑलमोस्ट 58,000 किलोमीटर का जो रूट है वो इलेक्ट्रिफाई कर दिया जा चुका है। प्राइवेटाइजेशन, अब प्राइवेटाइजेशन पे तो लोगों के वैसे जनरली मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, बट ये एक बहुत ही फेयर चांस प्रोवाइड करता है प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन ऑपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ बिकॉज कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ती है। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स ट्रेन ऑपरेट नहीं करते हैं, वहाँ का पूरा एंटायर रेलवे नेटवर्क है या फिर रेलवे सिस्टम है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। ट्रेन जैसे कि तेजस एक्सप्रेस, जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती है, एक प्राइवेट ट्रेन है और पैसेंजर्स को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का एम करती है। वही बात करें अगर लोकोमोटिव और कोचेस मैन्युफैक्चरिंग की, तो साइमेंस, एल्स्टॉम और जी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में प्लांट सेटअप कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहीं बात करें अगर वैगन्स की, तो तीतागढ़ वैगन वर्कशॉप, वहाँ पे वैगन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। फ्यूचर प्लान्स, अब किसी भी कंट्री के रेलवेज का करंट सिनेरियो क्या है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ता है कि आपको फ्यूचर में देखने को क्या मिलेगा। वो इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है या फिर वहाँ की जो रेलवे बॉडीज हैं, उनका करंट और फ्यूचर प्लान कैसा रहने वाला है। बात करें अगर चाइना की, तो चाइना के 10-ईयर प्लान के अकॉर्डिंग चाइना ले करना चाहता है ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रेलवे लाइंस एंड 1,30,000 किलोमीटर ऑफ कन्वेंशनल रेलवे लाइंस, जहां पे चाइना अपनी रेलवे लाइंस को कनेक्ट करना चाहता है फॉरेन नेशंस के साथ भी। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में जो सबसे हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है अभी के, वो है नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाया जा रहा है, और इसके आगे भी बहुत सारे जो हाई स्पीड कॉरिडोर है वो प्लानिंग में है।
वही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वन ऑफ अ काइंड कॉन्सेप्ट है और इन पे भी काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, जहाँ पे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं एंड और भी नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन पे काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। वही बात करें अगर कन्वेंशनल रेलवे ट्रैक्स की, तो अभी करेंटली इंडियन रेलवेज वर्क कर रहा है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को 160 किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने की एंड बाकी के हमारे जो एग्जिस्टिंग ए ग्रेड या बी ग्रेड रूट्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे। एंड और भी बहुत सारे रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रोज, आरआरटीएस भी अभी बहुत ही जोरों शोरों से इंडिया में बन रहे हैं। कंक्लूजन, अब एक बात पे तो हम सभी को एग्री करना पड़ेगा कि जो चाइना में रेलवेज के ऊपर एक्सपेंडिचर है और जो चाइना में रेलवेज का ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट रेट पे हो रहा है और जो चाइना है अपने रेलवेज को लेके काफ़ी सीरियस है। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में जो काम है उसने रीसेंट ईयर्स में काफ़ी तेजी पकड़ी है, बट प्रीवियसली हम सभी को पता है कि रेलवेज को जस्ट एज अ वोट बैंक यूज़ किया जाता था, जहां पे रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। वहीं एक और पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि जो कन्वेंशनल रेलवे नेटवर्क है चाइना में उसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर या मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर पर आवर। वहीं इंडिया में जो हमारे कन्वेंशनल नेटवर्क्स हैं उनकी भी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। अब ब्रॉडगेज पे एक स्पीड लिमिट होती है, वहाँ पे ट्रेन्स ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकती हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए एक स्पीड की लिमिटेशन है, हैंस हम मैक्स टू मैक्स 200 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन चला सकते हैं उस पे, और 160 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन हम ऑलरेडी चला रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट है चाइना के। यानी कन्वेंशनल नेटवर्क में हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो चाइना रेलवेज के काफ़ी कंपेयर है, बट जो चाइना की रेलवेज जो हमसे लीड ले लेती है वो है हाई स्पीड रेलवे सिस्टम में, जहाँ पे उनका जो नेटवर्क है अभी ऑलमोस्ट 42,000 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क है। वहीं पे इंडिया में पहला जो 500 किलोमीटर का नेटवर्क मुंबई अहमदाबाद के बीच में बनने वाला है, और अभी के सिनेरियोस के हिसाब से इंडियन रेलवेज को हैवली इन्वेस्ट करना चाहिए हाई स्पीड रेलवे लाइंस पे मेजर सिटीज के बीच में, जो कि आगे चलकर इंडिया में रेलवेज के लिए और इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉफिटेबल और काफी हेल्पफुल साबित होगा। फाइनल वर्ड्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि इंडियन रेलवे को चाइना की रेलवे से सीख लेना चाहिए और चाइना का जो रेलवे का डेवलपमेंट मॉडल है वो अपनाना चाहिए, जहाँ पे इंडियन रेलवे को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए हाई स्पीड रेलवे लाइंस पे और फ्रेट कॉरिडोर्स पे, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया ऑलरेडी कर रहा है, बट ये इतना सफिशिएंट नहीं है और डिमांड को मीट करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन्स है वो ओवरक्राउडेड चल रही हैं, जो फ्रेट ट्रेन्स है उसकी एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन सब पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड नो डाउट हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एंड वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड रेलवे नेटवर्क है, बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है जहाँ पे इंडियन रेलवे डेवलप कर सकती है एंड अपने आप को प्रूफ कर सकती है एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रेलवे नेटवर्क। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाऊं। This is Saurabh signing off. Thanks for watching. Until then, keep rail fanning.